हम सब साथ यहाँ पर रशियन आर्मी में फंस चुके हैं और जो कि हमारे साथ के बंदे हैं वो सब मतलब फ्रंट लाइन पर डाल दिए गए हैं और हमें भी ये कह रहे हैं कि आपको भी आधा एक घंटे के अंदर यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और फ्रंट लाइन के लिए हमारी भारत सरकार से और इंडिया एम्बेसी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। चंगे भविष्य के लिए विदेश के विच गया नौजवान अपनी जिंदगी अते मौत दे विचकार अज जंग लड़ रहा। दरअसल एजेंट दी ठगी दा शिकार होया ए नौजवान। परिवारक मैंबरां दे मुताबिक 10 लाख रुपए एजेंट नूं फीस दिती गई सी कि उन्हां दे बेटे नूं रूस दे विच सैट करवा देवेगा, पर कहा जा रहा है कि एजेंट ने कहा सी कि हैल्पर दे तौर ते उसनूं नौकरी जो है रूस दे विच दिती जावेगी, पर कहा जा रहा है कि जदों रूस पहुंचा तां उसनूं जबरदस्ती आर्मी दे विच भर्ती करके यूक्रेन के खिलाफ जंग दे विच उतार दिता, जिस तों बाद हुण उसदे पैर दे विच गोली लगी है। 1 महीने बाद उस नौजवान ने अपने परिवार नूं फोन करके हुण मदद दी गुहार लगाई है कि जल्द तो जल्द उसनूं इत्थों कढ़िया जावे। तां मामला हरियाणा दे कैथल तों सामने आया जिथे कि एक नौजवान चंगे भविख दे लई रूस दे विच गया सी, पर उत्थे जा के उसनूं एजेंट दी ठगी दा शिकार होना पिया। कहा जा रहा है कि उसनूं चुक के जबरदस्ती रूसी फौज दे विच भर्ती कर दिता गया ते यूक्रेन दे खिलाफ लड़ाई दे विच उतार दिता। पहला तां उन्हां नूं 15 दिन दी ट्रेनिंग दिती गई, ट्रेनिंग तो बाद उन्हां नूं सीधा ही लड़ाई दे विच भेज दिता ते हुण उस नौजवान ने भारत सरकार दे कोल जल्द तो जल्द रेस्क्यू करन दी गुहार लगाई है। हालांकि दस दिए कि कोई पहला मामला नहीं है, इस तों पहला पंजाब दे भी 2 नौजवान इसे तरीके दे नाल रूस दे विच गए सी, पर उन्हां नूं भी जबरदस्ती आर्मी दे विच भर्ती करके यूक्रेन दे खिलाफ जंग दे विच उतार दिता सी। तां हुण इह मामला हरियाणा तों भी सामने आया जिथे कि एक एजेंट दी ठगी दा इह नौजवान शिकार होया। पिता दा कहना उस नौजवान दे कि जमीन दा अद्धा किला वेच के 10 लाख रुपए एजेंट नूं दित्ते सी, पर हुण उन्हां दा बेटा अज जिंदगी अते मौत दे विचकार जंग लड़ रहा है ते उसने एक फोन करके यह सारी सच्चाई दसी है। फस रहा रूस में बेरोजगार करके भेजा था भाई, उड़ा काम मिलेगा, काम मिला है नहीं, आगे भेज दिया। तभी क्या बताया उसने? उसने ये बताया जी उरा कुछ नहीं है, आगे भेजा है सीधा, फोन फान सब लको लिए उसके और उसका लग रही गोली, हमारा वापसी एज एज। तो एजेंट ने क्या कह के भेजा था यार? एजेंट ने ये भेजा था कि बस सामान लाउड करना है, जो ट्रक उनका खाना पीना जो फौजियों का है बस, और कुछ नहीं कहा। बनी कोई ये आगे कोई लड़ाई लड़ दंगा में नहीं ले जाएगा इसको। कितने पैसे दिए थे आपने एजेंट को? एजेंट को 10 लाख रुपये दिए थे। अच्छा, आधा किला बेचा था। तो क्यों बेचनी पड़ी ये जमीन? जमीन बड़क को भेजने के लिए भाई, कि वहाँ काम मिलेगा, बात सी नौकरी है, इसीलिए भेजा था। तो एजेंट ने क्या कहा था कि लोडिंग का सामान? हाँ, लोडिंग का सामान है जी, इनको लोड करना ट्रंक। अच्छा। हाँ, जो सामान समून है इनका खाने पीने का वो जाएगा। अब आप क्या चाह रहे हो सरकार से? सरकार से मान नहीं मिलती, हमारा वापसी आना चाहिए। क्या नाम है? अजय। कहाँ गया आपका भाई? रशियन आर्मी। अब क्या हालात है वहाँ पर? हालात तो बहुत गंभीर है, वो दो लड़ाई में जा रहे हैं, 12 तारीख का नाम आ रही बात हो रही वहाँ से, यही चक्कर है उसका। 12 तारीख को लड़ाई में जाना लग रहा हूँ। जो एक और हमारे गांव का साहिल नाम का लड़का, उसका चर्रे लग गया और मौके पे अस्पताल में, तो अपने से तो बात ही नहीं हो रही 12 तारीख से। अच्छा। हाँ, तो कुछ और भी भारतीय है, इन्होंने कुछ बताया दूसरे भारतीयों के बारे में? बस यही कह रहे हैं भाई हमने निकाल लो यहाँ से, जो निकाले जाते हो यही बात हुई है फिलहाल तो उनसे। एजेंट ने क्या कह के भेजा था? एजेंट ने तो यही कहा था कि भाई हेल्परी का काम है वहाँ पे, 8 महीने में पक्का हो जाएगा, ऐसी कुछ बात कही थी इनने तो, और 10 लाख रुपए ले रखे हैं। तो कोई मदद की गुहार आपने कहीं लगाई है कुछ? हम बस यही कल एम्बेसी में ही ईमेल डलवाई थी मैंने, तो इसके भी इतना खास कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ बातचीत हुई है, कुछ बताया इन्होंने हालात कैसे हैं? नहीं, इन पे तो मतलब प्रोसेस चलता आराम आराम से होगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, ये बात है। नहीं, हालात कैसे हैं वहाँ पर? बहुत गंभीर है वहाँ तो, हाँ लड़ाई चली हुई है। तो कब बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार 12 तारीख को शाम ने 6 बजे तक बात हुई थी बस। अच्छा। उसके बाद कोई बात नहीं हो रही। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? बस हम तो यही चाह रहे हैं कि मेरा भाई वापस आ जाए।
बस यही। उम्र कितनी थी इनकी? 20 वर्ष थी। 20 वर्ष के। जी मेरा भाई रोजगार के कारण यहाँ से गया था रूस। वो एजेंटों ने हेल्पर के तौर पर कह के, या जैसे ट्रंक लोड करना है या और कोई काम है छोटा मोटा, ऐसे कह के वहाँ यहाँ से लेके गए थे। वहाँ पर जाके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया उससे, वो रूस लैंग्वेज में था, उसको समझ नहीं आया, उसने वो साइन कर दिया। उसकी 15 दिन ट्रेनिंग वहीं पर चली, 15 दिन के बाद उसे कहीं और ले जाया गया। उसने हमें बताया था कि मुझे आगे ले जाया जा रहा है। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट उससे खो गया, उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। हमने सोचा वो ठीक है। जैसे जैसे दिन बीते एक महीना निकल गया। उसका एक महीने के बाद किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया कि वह अस्पताल में और घायल की स्थिति में, उसे गोली लगी है पैर में। उसने हमने उसे पूछा क्या कुछ रहा, कैसे हुआ ये सब, तो उसने बताया उनका यहाँ पर ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमें यूक्रेन ले गई और वहाँ पर उनसे लड़वाई करवाई फ्रंट जोन पर। तो फ्रंट जोन पर लड़वाई करवाई, उसके बाद हमें हमारे साथ ये हादसा हुआ। एक राजस्थान का भाई और उसके साथ था नेमाराम, उसको भी उसके हाथ में गोली लगी है। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकलवाएं। मैं बहुत डरे हुए हैं। कितने पैसे दिए थे एजेंट को? 10 लाख दिए थे। कारण क्या था, क्या बताया था एजेंट ने, किस लिए भेजा जा रहा है? हेल्पर कहा था उसने। अच्छा। हाँ, वहाँ पर पुलिस या आर्मी में हेल्पर लगवाएगा, जैसे खाना बनाना, ट्रंक लोड करना या और कोई काम है, साफ सफाई का है, ये काम बताया था उसने। अब आप क्या चाह रहे हो? हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि हमारे भाई को जल्द से जल्द वहाँ से निकलवाएं। जिस तरह हमारा बेटा साहिल गया हुआ है, उसी तरह गांव के 6 बच्चे और गए हुए हैं भाई, इससे न्यारे रूस के अंदर। उनको बस यही बात बोल के बका के ले जाया गया कि वहाँ पर हेल्पर की जॉब दी जाएगी, कोई काम नहीं है। अगर कोई काम भी है तो फौजियों के बस रोटी पानी या कुछ ऐसा काम करना, आपको आर्मी में आगे नहीं जाना है, ये उनसे यहाँ पे प्रोमिस करा के लेके गए थे। लेकिन वहाँ पे जाकर उन्होंने वादा खिलाफी की है, उनके साथ धोखा कराया गया है। उनको 10-15 दिन रह के कैंप में आगे फौज में, मतलब आगे भेजा गया, लड़ाई के बलि का बकरा बना दिया एक किस्म से उनको। अब क्या बताया उन्होंने? वो अभी साहिल का फ़ोन आया है परिवार के पास 1 महीने के बाद। उसने बताया कि मेरे पैर में गोली लगी हुई है और मैं फिलहाल अस्पताल में हूँ, अगर मेरे को निकाला जा सके किसी तरह मेरे को निकाल। हमारी प्रधानमंत्री मोदी से यही दरख्वास्त है कि हमारे बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं हमारे गांव के या देश के, सभी को सुरक्षित निकाल के भारत लेके आ जाए। गए क्यों थे ये लोग? बेरोजगारी के कारण गए थे भाई साहब, रोजगारी नहीं है पूरे इंडिया में, तो अपनी ज़मीन बेच बेच कर जान लग रहे हैं। अगर यहाँ रोजगार मिलता तो विदेश में क्यों जाते?